एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फ्री हूँ, आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है क्योंकि है वीकेंड और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाने वाली हूँ कॉर्निश वॉक के लिए। एक्चुअली मैं अपने दोस्तों का वेट कर रही हूँ, उन्होंने मेरे को कॉल किया है कि वो पहुँचेंगे आई थिंक आधे घंटे में, आधे घंटा लग जाएगा, तो मेरे पास इनफ टाइम है वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं इस टाइम को यूटिलाइज करके एक वीडियो बना लेती हूँ जब तक मेरे फ्रेंड्स आते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है अरब्स ब्यूटी हैक्स, जो अरबी कंट्री में लोग अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट से कैसे अपनी स्किन को इतना ज़्यादा ग्लोई और हेल्दी रखते हैं। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम यूएई आई थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इन सब चीज़ों को यूज़ करके भी हम अपना स्किन केयर कर सकते हैं या फिर ब्यूटी एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया में रहकर हम जैसे अपने किचन में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, वैसे ही अरब्स जो होते हैं उनके भी कुछ अपने सीक्रेट्स होते हैं। तो वो मुझे यहाँ पर रहकर पता चला है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ। बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि जो अरब्स होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, मतलब नेचुरली। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फेक एक्सटेंशंस लगवा ली या फिर कोई सर्जरी करा ली या फिर स्किन बोटॉक्स और दुनिया भर की जो चीज़ें केमिकल्स चल रहे हैं आजकल वो सब करा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे खुद के इतने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जो नेचुरली मतलब इतने ज़्यादा सुंदर हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं स्किन ग्लास स्किन जैसे होती हो। दे आर जस्ट यूजिंग होम इन्ग्रीडियंट्स एंड दे रियली डोंट प्रीफर टू गो टू सलून एंड यूज़ मैनी केमिकल्स ऑन देयर स्किन। बट काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ रहकर पता चली हैं, मेरे फ्रेंड्स से मैंने पूछा है तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझसे आइडियाज़ शेयर किए हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगी। 5 ब्यूटी हैक्स जो अरब्स यूज़ करते हैं, हो सकता है इनमें से एक दो आपको पहले से ही पता हो सकता है सारे ही पता हो, और जिनको नहीं पता है वो आज मैं आपको बताऊंगी। सो बहुत हो गई एक्सप्लेनेशन, मूव करते हैं हैक नंबर 1 में। अरब्स ब्यूटी हैक में हैक नंबर 1 पर आता है ऑलिव ऑयल। यस, हर पर्पस के लिए यहाँ पर ऑलिव ऑयल को यूज़ किया जाता है, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो स्किन पे अप्लाई करने के लिए हो, स्किन ऑयल थेरेपी हो, या कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर ऑलिव ऑयल का बहुत ही ज़्यादा वाइड यूज़ किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के ऑलिव ऑयल होते हैं, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, किसी में फ्रेग्रेंस ज़्यादा होती है, किसी का कलर थोड़ा सा डार्क या लाइट होता है, और कोई टेस्ट में भी काफ़ी डिफरेंट होता है। तो लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया था अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल को लेना, और मैं ऑलिव ऑयल को ऐसे ही प्रेफर करती हूँ खाना। और आजकल मुझे बहुत ज़्यादा एक अजीब सा शौक चढ़ा है, एक हर्ब होता है ज़्यादातर उसमें वो ऑलिव ऑयल को रॉ ऐसे ही डाल के ऊपर से कच्चा खाते हैं, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, फिर मैंने एक दो बार और ट्राई किया और अभी मेरी हैबिट बन चुकी है, मतलब मैं ज़्यादातर और ऑलिव ऑयल को इतना ज़्यादा खाने लगी हूँ कि मैं स्कूल में बीच में लंच ले जाना ही मैंने बंद कर दिया था, मैं सिर्फ वही खाती थी एंड इट्स सुपर हेल्दी। सो लेट्स मूव टू द हैक नंबर 2। हैक नंबर 2 है मिसवाक। आप लोगों ने शायद ये सुना ही होगा, ऐसा नहीं है कि अरब कंट्रीज में ही मिसवाक को यूज़ किया जाता है, मिसवाक को इंडिया में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और आई थिंक हर कंट्री में मिसवाक यूज़ होता है, क्योंकि एंशियंट टाइम में जब टूथब्रश नहीं होते थे और पेस्ट वगैरह और ये डिफरेंट जो आजकल चीज़ें चल गई ये सब नहीं होती थी, तो लोग उस टाइम में मिसवाक यूज़ करते थे नेचुरल तरीके से अपने टीथ को क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए। सिर्फ एंशियंट टाइम में ही नहीं, आज भी लोग काफ़ी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है, हार्मफुल नहीं होता, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, तो इसको जो अरब्स होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, लेडी हो, जेंट्स हो, इसको हर कोई यूज़ करता है। पड़ने के बाद आपके दांत बहुत ही ज़्यादा नेचुरली जैसे वाइट हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, मतलब 2-3 दिरहम का आ जाता है यहाँ से, और इंडिया में भी 20-30 रुपये का, आई थिंक उससे भी सस्ता आ जाता होगा, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपकी जो टीथ होता है उसको वाइट रखता है। और मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि आपको उसको वॉशरूम जाके नहीं करना पड़ता, मतलब अगर आप अपने काउच पे बहुत ज़्यादा लेजी होके बैठे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको बस अपने दांतों में उसे मसाज टाइप की करनी होती है, विच इज़ वेरी गुड। एक्ट नंबर 3 विच इज़ हेना आईब्रोज टिंटिंग। यस, ये सुनने में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होगा, आई नो, बट जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं लोगों की आईब्रोज देखकर इतना ज़्यादा हैरान होती थी कि यार ये इतना ज़्यादा परफेक्ट आईब्रोज इनकी कैसे हैं, मतलब इतनी डार्क थिक और एकदम परफेक्ट शेप जो होती है, ये जो हैना होती है, जो नेचुरल मेहंदी होती है,
उसको वो अपनी आईब्राउज में भी लगवाते हैं, मतलब जिस कलर के आप अपने बालों में डाई करा रहे हो या कोई भी आपका नेचुरल शेड है बालों का, उससे मैचिंग में आपकी जो आईब्रोज होती हैं वो हैना से टिंटिंग करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और हर कोई करवाता है और बहुत ज़्यादा सुंदर आईब्रोज भी लगती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है। मतलब इसमें भी जो हैना होती है वो 1 महीने तक तो आराम से टिक जाती है, और अगर आपको लगता है कि आपकी आईब्रोज फिर से थोड़ी लाइट हो रही हैं तो आप उनको फिर से टचअप कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द हैक नंबर 4 जो कि है हलावा शुगर वैक्सिंग। आई नो बहुत ही फनी साउंड कर रहा है, इट्स लाइक हलवा बट इट्स कॉल्ड हलावा शुगर वैक्सिंग, जो कि अरब्स यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ये। इट्स लाइक अ कैंडी और जो अरब्स होते हैं वो ये वैक्सिंग यूज़ करते हैं। ये आप घर पर भी बना सकते हो, ये मैंने खुद भी बनाकर ट्राई की है एक बार घर पर, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, शुगर चाहिए, लाइम लेना है, जो वो शुगर की जैसे चाशनी बन जाती है ना वैसे आपको थोड़ा चलाते रहना है, उसमें फिर लेमन डालना है। जब वो शुगर आपको अच्छे से चलाते रहना है, जब आपको लगेगा वो एकदम चाशनी जैसे बन जाती है ना वैसे थिक हो गई है, उसमें लाइम डाल के उसका धीरे धीरे आप देखोगे कलर जो है ना अपने आप चेंज हो जाएगा। जब वो एकदम से एक ही एक स्टिक फॉर्म में आ जाएगी ना, बहुत ज़्यादा रब च्युइंगम टाइप जैसे हो जाएगी, तो उसको आपको ठंडा कर लेना है और उसके बाद जब वो एकदम ठंडी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, इट्स लाइक कैंडी शेप में आ जाएगी। उसको आप ऐसे स्ट्रेच करोगे ना एक रबड़ की तरह वो खींचेगी, तो उसको वो स्ट्रेच करते हैं, उसको अपनी स्किन पे जहाँ पे बाल होते हैं उसको ऐसे लगाते हैं और फिर अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर यही यूज़ करते हैं और यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मुझे फील होता है कि जो इजिप्शियंस और जो दूसरे अरब्स कंट्री से आते हैं वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। ट्रस्ट मी, आई नो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स दे डू एवरीथिंग एट होम, चाहे वो आईब्रोज हों, अपर लिप्स हों, वैक्सिंग हो या फिर कोई भी यू नो ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, वो सब कुछ अपने आप ही कर लेते हैं, वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। आई थिंक प्रैक्टिस से हो गए हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से घर पर ही करते होंगे ये सब। जो ये शुगर वैक्स वाला हैक है इसको ज़रूर ट्राई करना, जो आपका जो स्किन टेक्स्चर है वो बहुत ज़्यादा निखर जाता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये मैंने भी ट्राई की है और तब से मैं यही ट्राई करती हूँ। मैं घर पर नहीं बनाती क्योंकि बहुत ज़्यादा खलेरा फैल जाता है, मतलब शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, फिर लाइम लगाओ, फिर इसको ठंडा करो, उसको ऐसे ऐसे जब खींचते हैं तो थोड़ा सा मेहनत हो जाती है। मेरे पास जब टाइम होता है मैं कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन जब नहीं होता है तो ये रेडीमेड यहाँ पर बाहर से भी बनी बनाई मार्केट में अवेलेबल होती है। मुझे इंडिया का नहीं पता अगर होगी, बट ये यहाँ पर मिलती है तो मैं वही यूज़ करती हूँ एंड इट्स अमेजिंग। ओके लेट्स मूव द लास्ट हैक फॉर द डे विच इज़ अरेबियन ऊद। अरेबियन ऊद क्या होता है? जो अरेबियन ऊद होता है इट्स लाइक अ नेचुरल फॉर्म ऑफ परफ्यूम जो कि यहाँ पर लोग यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपको नोज़ एलर्जी है और आप बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो आप छींके आना आपको शुरू रहेंगे। मतलब अगर आप लिफ्ट में जा रहे हो या मॉल में हो या कहीं बाहर हो, अगर आपके आसपास से भी कोई अरब गुजर गया तो आप मजबूर हो जाते हो कि टर्न होके इसको पूछ लें कि कौन सा परफ्यूम यूज़ किया है। इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस होती है ऊद की, तो यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है फ्रेग्रेंस का, इसीलिए यूएई में बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं तो वो परफ्यूम तो लेते ही हैं। आई थिंक यूएई में बहुत ज़्यादा ये ऑब्सेशन है फ्रेग्रेंस का कि आप मॉल जाओगे, लिफ्ट में जाओगे या हॉस्पिटल भी जाओगे तो आपको इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस मिलती है। हर कहीं उन्होंने ऊद जो बुखूर वगैरह होता है ये सब लगाया होता है। एक्चुअली ऊद है क्या वो मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही शॉर्ट में। एक पेड़ होता है, जब उसमें फंगस लग जाता है या फिर वो उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है अंदर, तो वो एक ऐसा पेड़ है जिसमें से फ्रेग्रेंस निकलती है और वो इतनी ज़्यादा हाई फ्रेग्रेंस होती है कि जो आसपास की जो जितनी भी जो मिट्टी है वो जो जगह है जो लीव जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं जो आसपास के जो पेड़ होते हैं वो उनमें भी चली जाती है। वो इतना ज़्यादा अपनी फ्रेग्रेंस को छोड़ता है। आई थिंक वो एक ऐसा पेड़ है जो बीमार होने पर फ्रेग्रेंस को रिलीज़ करता है अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर। तो उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं उनको ऊद बोला जाता है। वो लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और ये डिफरेंट फॉर्म में होता है, जैसे कि एक तो धुएं वाले फॉर्म में होता है कि आपने उसको बखूर टाइप का होता है उसको बर्न किया तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है,
ठीक है, और परफ्यूम फॉर्म में होता है, डिओड्रेंट फॉर्म में होता है, मिस्ट फॉर्म में होता है, क्रीम फॉर्म में होता है, ये डिफरेंट फॉर्म में होता है, बट इसका जो ओरिजिन फॉर्म है वो बुखूर है, जो ऊद को बर्न करके जो इसका स्मोक निकलता है और वो इसका ओरिजिन फॉर्म होता है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेरिजन टू परफ्यूम एंड मिस्ट, तो वो आप ज़रूर ट्राई करना। और वो इतना सा ही काफ़ी होता है, मतलब आप इतनी बड़ी भी कोई बॉटल लोगे तो वो आपकी आराम से बहुत ज़्यादा टाइम तक चल जाती है। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर द डे। आई थिंक ये पांच हैक्स काफ़ी थे आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा हैक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और कौन सा हैक आप ट्राई करोगे। मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।